शुक्रवार को उधमपुर के मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें उधमपुर जिले की कुल 24 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों के हुनर को निखारना है, ताकि उन्हें देश के लिए खेलने का अवसर प्राप्त हो। इस मौके पर उधमपुर के जिला आयुक्त रविंदर कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनके साथ SSP उधमपुर मोहम्मद रियाज भट्ट भी उपस्थित थे। पहला मैच केंद्रीय विद्यालय उधमपुर और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें उधमपुर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ने केंद्रीय विद्यालय को हराकर मैच अपने नाम किया। जिले में इस तरह का टूर्नामेंट कई सालों बाद आयोजित हो रहा है, जिससे खिलाड़ियों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। प्रतिभागियों का जो इसमें कबड्डी की प्रतियोगिता कही जा रही है, 25 साल बाद में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी खुशी बात है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि बच्चे इससे काफी मोटिवेट होंगे, और स्पोर्ट्स का जो मकसद है कि बच्चों को फिट रखना और बाकी जितनी तरह की सामाजिक बुराइयों से दूर रखना और अपने आप को खेल में आगे बढ़ाना, ये एक बड़ा अच्छा मकसद है। तो मुझे उम्मीद है कि जो एसोसिएशन का जो मकसद है और जो डिपार्टमेंट का जो मकसद है वो पूरा हो और बच्चे इसका फायदा उठा सके। और मैं एक चीज कहूंगा कि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स काफी जरूरी है। जो बच्चा स्पोर्ट में अच्छा होगा वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा, उसका दिमाग अच्छी तरह से करेगा। तो हमें जरूरत है कि हमें स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट करें और बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का टाइम दीजिए कि बच्चे दो फील्ड में आगे जा सकते।